हेलो गाइस, आप सभी का द रूरल फाइट यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो मैं आप सभी के लिए एक खुशखबरी लेकर के आया हूँ। एक्चुअली खुशखबरी मैं नहीं दे रहा हूँ, खुशखबरी एसएससी ने दी है। सो जितने भी स्टूडेंट्स एसएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी की परीक्षा में बैठे थे, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो आप कहीं मत जाना, मैं खुशखबरी जल्द ही देने वाला हूँ और आपको स्क्रीन पर दिखाने वाला हूँ खुशखबरी। सो खुशखबरी ये है कि एसएससी एमटीएस का रिज़ल्ट एसएससी ने डिक्लेयर कर दिया है। जितने भी भाई एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में बैठे थे, तो वो अपना रिज़ल्ट कैसे चेक करें, मैं अभी बता देता हूँ आपको कैसे चेक करना है। ठीक है, यदि आप और भी ऐसी ही एचएसएससी या फिर एसएससी या फिर दिल्ली पुलिस या किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी सूचना चाहते हैं, आप सबसे पहले लेना चाहते हैं, तो इस चैनल द रूरल फाइट को सब्सक्राइब कर लें। और अभी चलिए मैं दिखाता हूँ कि कैसे आपको क्लिक करना है। सबसे पहले आप क्रोम में जाइए, क्रोम को ओपन कीजिए। यहाँ पे आप लिखिए कोई भी ssc.nic.in पे भी जा सकते हैं, और मैं एक वेबसाइट खोल लेता हूँ, सरकारी रिजल्ट.com। सो मैं सरकारी रिजल्ट, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डायल किया हुआ है, ये सरकारी रिजल्ट खुल गया है। तो सरकारी रिजल्ट में यहाँ पे रिजल्ट पे देखेंगे, तो रिजल्ट पे देखते ही SSC MTS रिजल्ट। ठीक है, अब आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करते ही आपको पता चल जाएगा कि रिजल्ट कहाँ है। ये रहा डाउनलोड रिजल्ट, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, लिस्ट 4, चार लिस्ट आई हैं इसकी। चारों लिस्टों को आप देख सकते हैं। मैं लिस्ट फर्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। मैंने PDF ऑलरेडी डाउन कर रखी है, डाउनलोड कर रखी है, तो मैं इस PDF को खोल लेता हूँ। हाँ, आप PDF से खोल लें। अब देखें, यहाँ पर आपका रिजल्ट शो हो रहा है, आपका रिजल्ट यहाँ पे शो हो रहा है। अब यहाँ पे आप ऊपर दिख रहा होगा, सर्चिंग में जाएं और रोल नंबर डायल करें। जितना आपका रोल नंबर है उसको आप सर्च करें इसके अंदर। यदि आपका रोल नंबर मैच करता है, तो आप समझ लें कि आपका सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बताना आपको वीडियो कैसी लगी। और एक बार फिर से कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि ऐसी ही अपडेट आप पाना चाहते हैं। सो थैंक यू। यदि जिन भाइयों का एग्ज़ाम क्लियर हुआ है, उनको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जिन भाइयों का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है, उनको उससे भी डबल शुभकामनाएं, क्योंकि आपको हार नहीं माननी है। और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो आप तैयारी करते रहिए, और अच्छी जॉब आपके हो सकता है कि आपकी किस्मत में हो। सो ओके, ऑल द बेस्ट।